नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने मनु भंडारी द्वारा रचित एक आत्मकथा एक कहानी यह भी के कुछ के मैसेज को बताने जा रही हूँ। हम स्टोरी पढ़ते हैं, हम कहानी पढ़ते हैं, हम एक कहानी पढ़ते हैं, लेकिन उसका मैसेज क्या है, उसका संदेश क्या है, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक बात फ्रेंकली बता रही हूँ कि कर्नाटका में जो फर्स्ट एंड सेकंड पीयूसी का जो सिलेबस है ना, उसकी सारी जो स्टोरीज हैं, एकांकीज हैं, पोएम हैं, वो दिल हमारे दिल से जुड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है कि वो हम एक कहानी नहीं पढ़ रहे, हम बस एक घटना को देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक कहानी यह भी ये जो आत्मकथा है उसके मैसेज में आप लोगों से शेयर उसके मैसेज में आप लोगों को बता दूँ। उसमें ये बताया गया है, ध्यान से सुनिए गाय से, कि माँ बाप द्वारा किया गया बिहेवियर, ठीक है, जैसा हम अपने बच्चों के साथ बचपन में यानी उनके चाइल्डहुड में बिहेव करते हैं, उसका असर जो है ना उनके साथ जिंदगी भर रहता है। ध्यान से सुनना इसे, जैसा हम अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हैं उसका असर उन बच्चों के दिमाग में जीवन भर रहता है। इसलिए हमें अपने बच्चों के साथ बहुत ही सोच समझ करके व्यवहार करना चाहिए। देखिए, मनु भंडारी बहुत फेमस हो रही, उन्हें बहुत सारे रियल लाइफ में बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन फिर भी मनु भंडारी के पिताजी ने जो उनके साथ बिहेव किया, किस चीज पर, किस चीज के बेसिस पर, उनके कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पर, कि मनु भंडारी फेयर नहीं है, वो तो काली हैं, या उनका डस्की कॉम्प्लेक्शन है, उस बेसिस पे मनु भंडारी के पिताजी ने उनके दिमाग में इतनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ला दी, यानी इतना हीन भावना उनमें भर दिया कि जब मनु भंडारी बड़ी हो रही, और उन्हें अवार्ड और बहुत सारे अवार्ड जब मिलते थे तो भी उनके मन के किसी कोने में जो एक हीन भावना आ गई थी, वो उन्होंने कहा है बहुत ही क्लियरली कि उनके जीवन से, उनकी लाइफ से आज तक वो जा नहीं सका है। हमेशा वो हीन भावना से ग्रसित रहती हैं कि वो सुंदर नहीं है, वो गोरी नहीं है, ये बहुत 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 ही गलत चीज़ है जो हमें अपने बच्चों के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। बच्चों में कंपैरिजन इस दुनिया में किसी को भी नहीं पसंद है। चाहे हम घर में कंपैरिजन, आप हमारे भी कोई कंपैरिजन करता है किसी से, तो हम बिल्कुल उसको पसंद नहीं करते हैं। तो माँ बाप, सभी माँ बाप का को एक मैसेज दिया गया है कि आप अपने बच्चों के बीच में कंपैरिजन मत किया कीजिए, नहीं तो वो जिंदगी भर इस चीज़ से छुटकारा नहीं पा पाते हैं, चाहे वो कितना भी अपनी जिंदगी में आगे क्यों ना बढ़ जाएं। बच्चों के बीच में हमें कंपैरिजन नहीं, यानी तुलना नहीं करनी चाहिए। और दूसरी जो बात है, ध्यान से सुनिएगा इसे, कि हमें जो है ना अपने बच्चों पर डाउट नहीं करना चाहिए। बात बात में हमें अपने बच्चों पर शंका नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बाहर वाला कोई भी आ करके हमारे बच्चों पर 1000 एलिगेशन लगा करके चला जाएगा। हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, हम किसी चीज़ को अगर हम ज़्यादा 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 खींचेंगे, तो वो चीज़ जो है टूट जाएगी। इसलिए किसी भी बच्चे पर हमें ज़्यादा शंका मत करो, आप डाउट मत करो, आप अपने बच्चों पर विश्वास करो। नहीं तो पूरी दुनिया आपके बच्चे पर उंगली उठाएगी, जैसा मनु भंडारी के साथ उनके जब वो हायर क्लासेस में, जब वो कॉलेज में गई, तो किस तरह से पड़ोस का एक आदमी आकर के मनु भंडारी के ऊपर उंगली उठाता है, ये लड़कों से बातें करती रहती है।
बहुत ही ये बड़ी चीज है। ओके, जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो हमें उन पे विश्वास करना है। ओके, तो यही दो मैसेज दिया गया है इस आत्मकथा के द्वारा। आशा करती हूँ कि जो ये मैसेज मैंने आपको बताया है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने कमेंट्स मुझे जरूर बताना, जो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू।